कॉसेक थीटा माइनस वन और कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, और लाना है आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ही काम करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाले वन को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले वन को, वन को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से केस है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख देंगे, और इसको ब्रेकेट में, एक ब्रेकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरे ब्रेकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बटे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब लेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या इसके पास, वन, यहाँ तो वन बचेगा, यहाँ ऋण का गुणा करेंगे, ऋण कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, आराम से नीचे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन, इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब कॉसेक को आराम से चेंज कर लीजिए, वन अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बटे, ये ध्यान दीजिए यही लड़ाई आपको लड़नी है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर अगर नीचे वाले वन की जगह लिख दिए होते तो, तब आ जाता वन अपान कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा, तब आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता, इसलिए इस तरीके से करोगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा आराम से जवाब आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाई स्कूल में भी ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। कॉट ए प्लस टेन बी अपान टेन ए प्लस कॉट बी, देखिए लाना क्या, रिजल्ट देखना चाहिए। हम कोई जो है जब बीमार पड़ते हैं तो दवा ये सोच के, कोई भी घर में दवा थोड़े खा लेते हैं भाई, अगर हम कुछ बीमार पड़ते तो वही दवा खाते हैं ना जिससे वो बीमारी ठीक हो। बहुत लोग घर में दवा रख के रहते हैं, सोते चलो बीमार में कुछ भी दवा खा ले काम करेगा, काम करेगा नहीं काम करेगा, इसलिए कि जिस मर्ज की दवा है वही चाहिए। तो हमको ये राइट साइड क्या लाना है ये ध्यान में रख के ही सॉल्व करना, कुछ भी नहीं कर देना। तो राइट साइड में देखिए आपका कॉट और कॉट बी, कॉट ए अपॉन कॉट बी, तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे कॉट ए प्लस टेन बी अपान टेन ए प्लस कॉट बी। तो बहुत लोग साइन कॉस में ही चेंज करते हैं, मैं मानता हूं उससे भी आएगा, लेकिन देखिए अगर कॉट ए कॉट बी लाना तो टेन जहां है उसको कॉट में चेंज करो उत्तर आ जाएगा। तो देखिए टेन बी को हम लिख देंगे, देखिए आराम से, देखिए बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, वन अपान कॉट बी, नीचे टेन ए को वन अपान कॉट ए, अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे कॉट बी, तो कॉट बी गुणा होगा त्रिक, देखिए कॉट ए कॉट बी प्लस वन, और नीचे देखिए कॉट ए एलसीएम ले लेंगे तो भैया वन प्लस कॉट ए कॉट ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है कॉट ए उछड़ के ऊपर चला जाएगा कॉट ए अपॉन कॉट बी। क्यों हम बड़ा करें, क्यों हम साइन कॉस में चेंज करके लंबा करें, इस तरीके से देखो रिजल्ट में हमको कॉट ए कॉट बी लाना था, हमने कहा ए टेन बी, तुम कॉट में कन्वर्ट हो जाओ रिजल्ट आपका आ गया, अब यही कॉट बी ऊपर ले आएंगे तो कॉट ए टेन बी हो जाएगा, तो आपका दोनों रिजल्ट आ गया, कर लेंगे ना। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन,
कॉस सेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर स्क्वायर थीटा एक कॉस सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा साइन थीटा वन कॉट थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टेन थीटा वन सेक थीटा साइन थीटा स्वाहा। इतना तैयार हो गया होगा आपको। कॉस में रिजल्ट आ रहा है तो हम जाहिर सी बात है टेन को लेफ्ट हैंड साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कॉस थीटा प्रति वन माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा। यहां तक आपको आ गया होगा। अभी तो सवाल ही लिखे हैं बच्चों। अब टेन को हम चेंज करेंगे क्या हे टेन साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इधर कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा गजब प्लस साइन थीटा और नीचे साइन थीटा रेड कॉस थीटा बटे साइन थीटा एक कॉस थीटा उड़ा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहां ए रीड बी है यहां बी रीड ए है रीड कॉमन ले लो तो रीड कॉमन जैसे ही लोगे कॉमन जैसे ही लोगे ये बन जाएगा क्या बनेगा ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। या ए रीड बी था बी रीड ए था मन कहा कि हे तुम भी बन जाए इसने उससे कहा कि बहनी तू चेंज हो जाए ना रीड कमनवा ले लो बदलिए कहें ठीक है अब एलसीएम ले लिए कॉस थीटा रीड साइन थीटा अब ऊपर हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रेकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दूसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल कॉस थीटा प्लस साइन सवाल समाप्त। प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा। अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा सेक थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वहां भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा कर दो इसकी वैल्यू एक होती है सब पढ़ चुके हो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान एक होता है क्योंकि कॉसेक थीटा को लिख सकते हो वन अपान साइन 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 कैंसिल तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान एक होता है तो दो मिलेगा और कॉस थीटा सेक थीटा का मान भी एक होता है पता है ना आपको क्योंकि कॉसेक थीटा को लिख सकते हो वन अपान साइन 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 कैंसिल सेक को वन अपान कॉस थीटा कैंसिल यानी कॉसेक थीटा को लिख देंगे वन अपान साइन थीटा तो त्रिया गुणा कर दीजिए वैसे भी साइन थीटा कॉसेक थीटा है कॉस थीटा सेक थीटा है। अब ये देखिए दो दो चार और इसका मान एक तो पांच हो गया एक है और दो दो चार पांच पांच प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को चूंकि आंसर टेन कॉट में आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो पांच एक छह एक सात तो सात प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कर डालिए सिक्स थीटा का सूत्र है टेन की पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड
sec की पावर 6 थीटा, इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec की पावर 6 थीटा को sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, सूत्र होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, सूत्र जानते हो a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब सूत्र, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, यहां देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, तो 1 का क्यूब 1, यहां 3 दुनी 6 tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा, देखिए वही चीज आ गई, तो चाहे क्रम से लिख दो जैसे है, tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, हर बच्चा sec की पावर 6 थीटा को लिख दिए sec स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b, तो 1 का क्यूब 1 tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, बस वही क्रम से लिख दिया, बस 2 sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos, देखो इसको कैसे, पहले हम अलग-अलग सॉल्व कर लेते तब करते हैं, पहले sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा को कैसे लिख देते, देखिए sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, और आपको सबको पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, देखिए दो सूत्र होता है, एक फैक्टराइज रूप में होता है, एक देखिए इस तरीके से होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, इसी को लगाइएगा इससे छोटा पड़ता है, a प्लस b का होल क्यूब, उससे क्या होगा a प्लस b जब करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी जगह 1 लिख देंगे, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, देखिए a का काम कौन कर रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा गुणे 1, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos, कभी कभी लोग फैक्टराइज के रूप में कर लेते हैं तो उसमें चेंज करना पड़ता है बेटा, एक ब्रैकेट में a प्लस b तो मान लीजिए 1 हो जाएगा, दूसरे में sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा, तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसमें जो है आपको उतनी लंबाई नहीं रहेगी, छोटा ही रहेगा, तो इसलिए तरीका ही अजमाया करो, जब ये sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा का मान निकालना हो, अब जैसे sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और आप सब जानते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सूत्र, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सभी लोग जानते हो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 की स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, इसको निकाल लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, इसको लाना है, देखिए इसको प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 2, इसका मान रख देंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या निकाले हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 2 बन जाए 2, 2 3 जाए 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 2 3 2 जाए 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, 2 1 3 3 3 क्या हो गया 0।